दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया बुरी तरह हार गया। तमाम लोगों को बहुत निराशा हुई। तमाम लोग सोशल मीडिया पर किसी को कभी इसी को इसको पनौती कह रहे हैं, कभी उसको पनौती कह रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को नहीं बख्शा, विराट कोहली को नहीं बख्शा, हमारे BCCI के जो सचिव हैं जय शाह महोदय उनको नहीं बख्शा, लोग पीछे पड़े। ये ऐसा क्या हो गया भाई? खेल को खेल रहने दो ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक सरल समाधान खोज रहा बता रहा हूँ विराट कोहली जी को। विराट कोहली जी, आप थोड़ा सा हमारे योगी जी से सीख लीजिए कुछ। अगर आप सीख लिए होते तो आज इतना पछतावा नहीं होता पूरे देश को। क्या है वो? उनके पास फॉर्मूला है। कोई काम मत करो, कोई विकास मत करो, केवल नाम बदल दो। अभी देखो तमाम शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने। शहरों में कुछ किया अथवा नहीं किया, शहर स्मार्ट हुए अथवा नहीं हुए, नाम बदल दिए, हो गए नाम बढ़िया। प्रदेश में बहुत बढ़िया शहर बन गए वो। यहां तक कि गोरखपुर भी, वहां भी देखिए आप वाटर लॉगिंग क्या स्थिति थी, वेनिस बना हुआ था। या रेलवे स्टेशन हो, उनके नाम बदलने का शौक है, स्टेडियम का नाम बदल देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बदल देंगे, एयरपोर्ट का नाम तो खैर उनके हाथ में नहीं, चूंकि अडानी जी का मोदी जी ने बदलवा दिया। बहरहाल, अगर आप नाम बदलने का जो एक स्ट्रेटेजी रणनीति है अगर सीख लो हमारे योगी जी से, तो ये थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की टीम का नाम ही बदल दो। उसे मानो अफगानिस्तान की टीम है, मानो साउथ अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, नहीं है पाकिस्तान की टीम। काहे की जिद्दोजहद है? आंख बंद करके कह दो नहीं है पाकिस्तान की टीम। ये सारा बवाल नहीं होता। इतना जब बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए सरकारों ने अपने को राष्ट्रवादी सिद्ध करने के लिए, तमाम इकट्ठे किए लोग, हंगामा किया, उसके बाद मुंह लटका के वापिस चले गए, क्योंकि दोबारा पराजय मिली। एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे आ गए उनसे, पाकिस्तान से, और फिर ये मैच हार गए। कल ऐसा लग रहा था जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, देखिए हमेशा उत्साह पर तो होता है, मानता हूं मैं, हमको भी लगता है दुश्मन देश है हमारा, पराजित होना चाहिए, अच्छा लगता है जब पराजित होता है, लेकिन उसको इस हद तक नहीं खींचना चाहिए कि वो चुनावी मुद्दा बन जाए, क्योंकि कुछ सरकारें हर चीज को चुनावी मुद्दा बना देती हैं। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आतंकवाद, हर चीज को उसी में बना देती हैं। अरे खेल को खेल के रूप में रहने दो ना। बहरहाल, मैंने जो बताया विराट कोहली जी को सजेशन दिया उसको मान लें। देखिए अभी क्या हुआ हाल में, योगी जी ने तमाम सरकारी अस्पतालों का नाम बदल के मेडिकल कॉलेज कर दिया। हो गई बात खत्म, हो गई सुविधाएं की अपग्रेडेशन, हो गया मेडिकल कॉलेज, छात्र हो गए MBBS के भर्ती, प्रोफेसर आ गए। अब थोड़ी देर के लिए जो डॉक्टर साहबान हैं सरकारी अस्पतालों के, आप जानते ही हैं कि आधे रहते हैं आधे नहीं रहते हैं, उनको प्रोफेसर मान लो थोड़ी देर के लिए, और जो मरीज आ रहे हैं उनमें से अच्छे पढ़े लिखे मरीजों को छांट के उनको छात्र मान लो MBBS के, बात खत्म हो गई, मेडिकल कॉलेज बन गया। चाहे वो सुविधाओं के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, प्राण निकले जाने अस्पताल के लिए, फिर मेडिकल कॉलेज बना दिया उसका। बहरहाल, आज जो नए नव निर्मित जो अस्पताल जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, लोकार्पण मतलब चालू हो गए, वो लोगों को समर्पित कर दिया वो। अब कैसे माने चालू हो गए? OPD चली नहीं, MBBS के छात्र भर्ती हुए नहीं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ, कोई स्टाफ, सर्जिकल थिएटर कोई तो बना नहीं, कुछ लैब बनी नहीं, कुछ भी चालू नहीं हुआ, लोकार्पण हो गया। बिल्डिंग खुल गई। अगर बिल्डिंग बनने से मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो फिर ICMR की जरूरत ही नहीं है। अरे कितनों को ICMR की NOC या अनुमति मिली? नहीं मिली तमाम लोगों, तमाम को, 9 में से भी नहीं मिली। मेडिकल कॉलेज खुले ही नहीं है, ये केवल बिल्डिंग खुली है। अब बिल्डिंग बनने में सरकारों की रुचि रहती है, आप जानते क्यों, कमीशन मिलता ना मोटा, तो बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं बड़ी बड़ी, 2000 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर दी, हो गया मेडिकल कॉलेज बन गया। अब मैं उस पर आता हूँ कि जो मैंने फैक्ट चेक किया है, कुछ बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं। मोदी जी, योगी जी ने कहा, बड़ी शान से कहा कि पूर्व सरकार में 12 मेडिकल कॉलेज थे, बाकी जितने बने वो हमारे थे। उसमें अलग अलग क्लेम है, एक पोस्टर में कहा गया 59 मेडिकल कॉलेज हैं, यानी 12 उनके थे बाकी योगी जी ने बनाए। कभी कहा गया 48 हैं हमारे, कभी कहने 30 हमारे हैं, किसी ट्वीट में आ रहा 30 है निर्माणाधीन, योगी जी का ट्वीट है एक। तो ये तमाम क्लेम जो ऐसे हैं जिनकी फिगर्स मैच नहीं कर रही है,
तो तीन तरह के क्लेम हैं जिनके बारे में मैंने रिसर्च किया है, और मेरी रिसर्च नहीं है खाली, ये scroll.in है, उसमें फैक्ट चेकर है उनका, वो उससे मैंने आंकड़े लिए हैं, ये मेरा सोर्स वो है, और इसको मैंने समराइज किया है टेबल के रूप में। और ये चूंकि ऑथेंटिक है, वो डाटा जो पार्लियामेंट में घोषित है या सरकारी वेबसाइट पे दिया गया है, उस डाटा का मिलान जो घोषणा योगी जी ने की है, जो मोदी जी ने की है, जो क्लेम्स किए हैं, काउंटर क्लेम्स किए हैं, उनको मिलान किया इससे, तो आपको पता चल जाए कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो जनता को पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है, भैया कितने मेडिकल कॉलेज कहाँ हैं। एक तो सूची जारी कर दे सरकार, योगी सरकार ने सूची जारी नहीं की, कितने पूर्व के थे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, कितने आपने बनाए उनकी सूची जारी कर दो, तो जाके भैया हम देख लें वहां पे। सूची आप देंगे नहीं, सूची खाली नौ की दी है हमने कि नौ हमने ये आज लोकार्पित कर दिए। बहरहाल पहला क्लेम ये है कि योगी सरकार ने, जिसमें योगी सरकार ने 32 मेडिकल कॉलेज बनाए या निर्माणाधीन है, या 30 मेडिकल कॉलेज बनाए और 12 पहले से थे, तो क्लेम ये है कि भाई 32 और 12 54, और ये कहा जा रहा है कि भाई हमने तो 48 है टोटल, कहीं कह जा रहा 54 है, कहीं कह जा रहा 57 है। मैं आपको बताता हूं, इतना जरूर है मोदी जी योगी ने कहा है कि पूर्व सरकारों केवल 12 थे, इसको हम डिस्प्रूव करते हैं कि ये झूठे हैं। कैसे बताता हूं आपको, देखिए ये फैक्ट लिखा है, ये फरवरी 2020 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे, ये मैं क्लेम नंबर 2 पे आ गया हूँ, पहले क्लेम नंबर 1 कर लेता हूँ। तो क्लेम नंबर 1 पे जो है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 12 मेडिकल कॉलेज का, तो इसमें पहला जो फैक्ट है वो ये है कि रेफरेंस डिवीजन है पार्लियामेंट लाइब्रेरी का, स्टेटस ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया जुलाई 2018 का है। तो 2018 का रेफरेंस इसमें कहा गया है, 2016-17 एकेडमिक ईयर तक 45 मेडिकल कॉलेज यूपी में थे, 45, ये 2016-17 12 नहीं 45, ये पार्लियामेंट की रेफरेंस जो डिवीजन है उसमें डाटा दिया हुआ है। उसके बाद आइए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ, स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फगन सिंह कुलास्ते, इन्होंने स्टेट वाइड लिस्ट मेडिकल कॉलेज की दी है कंट्री में, और ये 2016 का आंकड़ा है, 22 जुलाई 2016 का ये आंकड़ा है जो हाउस में दिया गया कि भाई यूपी के अंदर 2016 तक 38 मेडिकल कॉलेज थे, 12 नहीं 38, पहले बताए 45 जो लाइब्रेरी कह रही है पार्लियामेंट की, और मंत्री जी कह रहे हैं हाउस में 38, और योगी जी मोदी जी कह रहे हैं 12, अब पता नहीं क्या सच है। उसके बाद फिर आइए जो डायरेक्टेट है यूपी गवर्नमेंट की, जो डायरेक्टेट है डायरेक्टेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसने बताया है कि 2017 तक 66 मेडिकल कॉलेज थे, ये लीजिए ये और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे कहां 12 है कहां 66, उसमें कहां 41 मेडिकल कॉलेज सरकारी हैं और 24 प्राइवेट 2017 तक, ये सरकारी आंकड़े कह रहे, मैं तो कह नहीं रहा, मेरे पास लिखे हुए हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए आप, आई मे बी रॉन्ग, बताइए। ये दूसरा क्लेम ये है, दूसरा क्लेम ये कहा गया कि भाई 32 एग्जिस्टिंग है जो पूर्व सरकारों ने बनाए, सॉरी 12 पूर्व सरकारों ने बनाए और 32 बनाई होगी सरकार ने, ये दूसरा क्लेम है। तो भाई दूसरा क्लेम है, और ये भी कई जगह पे आ रहा है कि 48 बने टोटल। अब मैं बताता हूं आपको, मोदी जी और योगी जी ने जो क्लेम किया कि 48 मेडिकल कॉलेज योगी जी ने बनाए हैं, 12 पुरानी सरकार के हैं, अब इसको कैसे डिस्प्रूव करें भाई, इसका भी आंकड़ा मेरे पास है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी चौबे हैं, उन्होंने फरवरी 2020 में पार्लियामेंट में कहा कि भाई 2020 तक यूपी में 57 मेडिकल कॉलेज थे, अब देखिए 57 की फिगर फिर आ गई, उसमें 12 पुरानी सरकार के भी है, 9 ये जो आज हुए ये सम्मिलित नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसको माने तब भी वो झूठी फिगर है जो 12 की बात हो रही है, और उसके बाद फिर ये सितंबर 15 सितंबर 2020 को ये राज्यसभा में एक लिस्ट दी गई, लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीएमआर जो पिछले 3 साल में रिकॉग्नाइज हुए आईसीएमआर, तो यूपी में 6 मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज हुए 17 से 2020 के बीच में, जब रिकॉग्नाइज 6 हुए हैं तो आप कैसे कह सकते हो 30 हमारे हो गए,
या 32 हमारे हो गए और 9 ये अलग हैं। अरे झूठ का तो कोई हिसाब तो होना चाहिए ना, सारा कुछ तो आपने रेडीट कर रखा। अब तीसरा क्लेम जो है, वो तीसरा क्लेम मेरा कागज जमीन पे गिर गया इसलिए उठा लिया मैंने। ये तीसरा क्लेम ये है, ये कह रहे हैं कि एक पोस्टर है उसमें विभिन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेज दिखाए हैं, जिसमें यूपी में दिखाए हैं और योगी जी का बड़ा फोटो लगाया है। यूपी में 59 है, 59 उसमें 12 पुराने हैं, तो अगर 12 निकाल दिए उसमें से तो 37 हो गए, 47 हो गए, 47 जो है योगी जी ने बना दिए। और एक ट्वीट किया है ये 20 तारीख का, अभी 2 दिन पहले का, जिसमें कहा है कि भाई 30 हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और 12 पुराने हैं। लब्बो लबा कहने का ये है, भैया सच क्या है भाई, जो पुरानी सरकारों के उनकी लिस्ट जारी करो, सरकारी हो प्राइवेट सेक्टर के हो, जो आपने बनाए हैं या बन रहे हैं उनकी लिस्ट जारी करो, और उनमें जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनमें जो इक्विपमेंट आए हैं, जो स्टाफ लगा है, जो मेडिकल स्टोर खुले हैं, ओपीडी खुले हैं, उनकी लिस्ट जारी करो, जो एम्स है उनमें क्या सुविधाएं उनकी लिस्ट जारी करो, बहकाने वाली बात मत करो। आपके हाउस में कुछ कह रहा मंत्री, आप कुछ कह रहे हैं, आंकड़े कुछ कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े कुछ कह रहे हैं, लोगों को भ्रम होता है ना। तो मेरा निवेदन है, बहुत करबद्ध प्रार्थना है, माननीय योगी जी सच बता दो। अरे चुनाव तो आता जाता रहेगा, जनता को क्यों बहका रहे हो। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं आज, जिनको लोकार्पण हुआ है, लोगों को समर्पित कर दिया, खुले नहीं है, स्टाफ नहीं आया है, ओपीडी नहीं चल रहे हैं, प्रोफेसर नहीं आए हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, ये केवल चुनावी कागजी कार्रवाई है, ये लब्बोलबाव है। तो विराट कोहली जी यूपी से सीखिए, नाम बदलिए, काम बदल दीजिए, झूठा काम दिखा दीजिए, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने पाकिस्तान को हरा दिया, बात खत्म। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।